किसान संगठनों और सरकार के बीच जो अहम बैठक चल रही थी उसके बाद कृषि मंत्री कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनवा देते हैं क्या बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किया जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, कैसे जवाब? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए, तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसानों का कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये वो किसान यूनियन के तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, देखिए हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी। मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया, वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, तो मध्यस्थता के लिए
हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा, तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है, इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन में। देखिए अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है, अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है